तुम्हें किसान की जो हालत की गई है कोई सरकार ने कसर नहीं छोड़ी है, कभी भी उसकी जमीन उसका जो भाव फसल का होता है दूसरे लोग उसके हैं। रवि जी दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं संजीव जी के बाद में आऊंगी, पहले दुर्गेश जी से समस्या है। दुर्गेश जी सीधे सीधे ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, भाई हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, ये तो किसान फ्रेंडली है, और जैसा कि उन्होंने कहा भी कि अगर हमें पूर्ण विकास करना है तो हमें सॉलिड डिसीजन लेना होगा, लेकिन सॉलिड डिसीजन लीजिए तरीका आपको लग रहा है कि सही है? देखिए इसमें दो बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। परिवर्तन जो होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं पीड़ादायक होता है। जो भाषा हमने सुनी, जो भाषाई शैली थी, कहीं ना कहीं से सीधे आप लोगों को टारगेट किया जा रहा था। देखिए क्या है, देश अभी एहसास नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सदा से एक ही मकसद रहा है, सत्ता मकसद नहीं रहा है, जनता का विकास, जनता की भलाई, जनता को पानी मिले, जनता को रोजगार मिले, हमारा मुख्य मकसद है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल हो, अन्ना महाराज हो, चाहे जितने भी और लोग दिख रहे थे, अतुलंजान और भी जो लोग दिख रहे थे, और जो दूसरे विपक्षी दल भी हैं, उनको भी आज की तारीख में सही तरीके से आकलन नहीं कर पा रहे। ये पूरी एक कम्युनिस्ट लॉबी है। कम्युनिस्ट लॉबी जहां जहां भी गई, जहां जहां भी राज किया उसने, उस चीज में वहां उद्योग बर्बाद हो गया, उद्योग खत्म हो गया, गरीबी आ गई, गरीब आ गया। ये बात समझ में नहीं आई संजय जी, उद्योग खत्म हो गया, किसान जा रहे हैं, गांव की जमीन खत्म हो रही है, खेत खलियान मिटे जा रहे हैं, आप पूरा 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 कंक्रीट के पूरी बिछाने की बात कर रहे हैं। हम तो देखिए क्या है ना, हम तो उद्योग ऐसा क्यों होता है, भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी, गांव क्यों नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी भूमि अधिग्रहण करेगी, एक एक जगह के लिए हम लोग चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम बीएसपी नहीं हैं कि किसानों को गोलियां चलवा दी, किसानों को गोलियां चलवा दी, हम बसपा नहीं है। राजनाथ सिंह जी से आप लोगों ने बात, किसानों ने बातचीत भी की, कोई कुछ असर नहीं हुआ। हम बसपा नहीं है कि किसानों पे गोलियां चलवा दें, हम सपा नहीं है कि किसानों को लूट लें, हम तो भारतीय जनता पार्टी है, हम जहां भी करेंगे अच्छा करने के लिए करेंगे, अच्छी सड़कें बनाने के लिए करेंगे, पानी की सही व्यवस्था कराने के लिए करेंगे, पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए करेंगे, अच्छे उद्योग धंधे लगाने के लिए करेंगे, अच्छे कॉरिडोर बनाने के लिए करेंगे, और साथ ही साथ कई किसानों की सहभागिता के बाद तो हम ये आपसे कहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह सकता हूँ कि आप देखिएगा इतना रोजगार पैदा करेंगे, इतना काम पैदा करेंगे। साहब यही तो बड़ा सवाल है, आप गोली नहीं चलाएंगे, आप उनके उन